हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई आज है डेट 7 तारीख, टेक्निकली क्योंकि 6 तारीख की रात है। अभी टाइम हो रहा है 3:15, ठीक है। और हम निकल पड़े एक और नए सफर पे, पर आज का जो ये सफर है वो बाइक वाला नहीं है, मोटर व्लॉगिंग नहीं होगी, पर हाँ एक नई जगह पे जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको रास्ते में बताएंगे। और ये जो ट्रिप होने वाली है दोस्तों, ये होने वाली है मेरी फैमिली के साथ। तो काफ़ी टाइम बाद हम एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हम लोग साथ जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये जो वीकेंड है अभी, लॉन्ग वीकेंड, उसका प्लान है। तो यहाँ पे सामान सारा हमारा पैक हो रखा है, जूते मेरे रखे हैं और ये सारे बच्चों के लिए सामान, जो कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो बच्चे भाई गाड़ी में बोर होते हैं, तो उनके लिए सारा नमकीन वगैरह, चिप्स वगैरह पैक्ड एंड लॉक एंड लोड। तो अभी हम अभी यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी हमने बुक कर रखी है, टेम्पो ट्रैवलर अभी आने वाली है। तो अभी हम तैयार हो रहे हैं, तैयार होकर हम नीचे जाएंगे और निकलेंगे आज के डेस्टिनेशन की तरफ। साथ में रहिए, एंजॉय करेंगे, स्टे ट्यून्ड, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। तो भाई लोग, ये आ गई है हमारी गाड़ी, टेम्पो ट्रैवलर, जो आज हमारे साथ चलेगी। सारे लोग अंदर बैठे हैं और मैं भी अभी बैठने वाला हूँ, टाइम हो गया है थोड़ा लेट, चलते हैं अपन। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे अभी हमने करा नाश्ता। ये शिवा ढाबा है, 90 किलोमीटर दूर गुड़गांव से। अभी गाड़ी रिवर्स हो रहा है और सारे लोग इधर, गुनगुन, संतु और बाकी सब लोग नाश्ता वास्ता करके तैयार, बिल्कुल फुल पावर। तो चलते हैं भाई, अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर आगे हैं, तो फिर पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए।
काफी देर के बाद ब्रेक लिया और सारे जंगल में घूम रहे हैं और ये आई गुनगुन। तो भाई यहाँ पे लिया हमने एक ब्रेक, पीछे हमारी गाड़ी पार्क्ड है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से 30-35 किलोमीटर रह गया है। एकदम ही घना जंगल है, आ रहा है बहुत सारा मज़ा। ठीक है, जैसे कि आप देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो भाई लोग अभी हम पहुंच गए हैं एकदम घने जंगल के अंदर, और यहाँ से डेस्टिनेशन जो है अब 30-35 किलोमीटर रह गया है, और क्या खूबसूरत जंगल आ गया। देखो भाई लोग ये सारे जंगल में मंगल कर रहे इधर। अभी भी कोई ऑफिस की कॉल में बिजी है। देख रहे हो कैसे घना जंगल है पीछे, एकदम घना जंगल है। देख पा रहे एकदम घना सा जंगल है पीछे, और ऐसा माहौल मेट्रोपॉलिटन सिटी से शहर से दूर आके बहुत ही कम मिलता है यार, और बहुत मज़ा आता है। रियली एंजॉयिंग द डे, एक का फैमिली के साथ कभी कभी वैकेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा तो हम घूमते रहते हैं। आप लोग जैसे देखते हैं कि हम बाइक पे घूमते हैं हमारे चैनल पे, जो हमारा चैनल है भवानी चौधरी, तो उस चैनल पे हम जनरली मोटो ब्लॉगिंग डालते हैं, पर कभी कभी ऐसे फैमिली के साथ अब जब घूमते हैं तो इन पलों को भी हमें कैमरे में कैद करके आपके साथ दिखाना, जैसे हमारा डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है वो भी ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जैसे आप भी एक फैमिली हो हमारे चैनल के, एक रिश्ता बनता है ना। तो वही है, साथ में बने रहिए, साथ दीजिए, जो मेहनत है हमें हमारा जो मेहनत है उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, नए नए रास्ते पर जाएंगे, नए नए जगह दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड जो जंगल कनेक्ट होता है, ये कॉर्बेट का ही जंगल कनेक्ट होता है, बहुत ही घना जंगल है, और खाई देखिए कितना गहरा, बहुत ही खतरनाक खाई है इधर। भाई आ गए हम एकदम
वादियों में पहाड़ कितना खूबसूरत है भाई। वो अगर आपको पीछे दिख रहा हो तो वो हिमालय दिख रहा है वहाँ से, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आड़ी टेढ़ तिरछी रोड में स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा रेस्ट लिया है। मंजू की हालत हो रही थोड़ी सी ख़राब, कोई नहीं, मज़े तो पूरे आ रहे हैं। ठंड लग रही है ना, यह हमारी गाड़ी और यह जैद भाई हमारे आज के ड्राइवर, और सारे बच्चे उतर गए ठंड का मजा ले रहे हैं, और अनिरुद्ध गए हैं एडवेंचर करने, बहुत ठंडा है। अनिरुद्ध राणा आराम से काम करो, काम करो। तालिया वापस कैसे आओगे? तालिया ऊपर आओ, बीबी से पड़ी गालियां। मजा आ रहा है, मजा भाई, बहुत मजा, जबरदस्त माहौल है। ये देख रहे हो अनिरुद्ध कहाँ गया, वही देखो वो रहा अनिरुद्ध राणा वहाँ खड़ा है नीचे। तो भाई फाइनली बता ही देते हैं, हम हैं अब नैनीताल से ऊपर, हम जा रहे हैं पंगोट, नैनीताल से 15 किलोमीटर ऊपर है, बहुत ही सुंदर जगह है, देखिए पूरी वैली है, जबरदस्त, और क्या माहौल है भाई, मज़ा आ गया है। और ये हमारे को ट्रैवलर साथ हमारे साथ, अनिरुद्ध क्या लेके आओ, क्या अचीव किया, ये अचीव किया भाई, देखिए ओए होए होए, क्लैप करो क्लैप करो, हाय बाय मक्खन मलाई, कोई कुछ नहीं करेगा, छेड़ना नहीं उसको। तो भाई पहुंच गए हम, पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे, जगह है पंगोट और हमारा होटल है वो ऊपर, अशोका नैनी चैलेट। ये पार्किंग है, गाड़ियाँ लग गई अपनी, सामान वामान लेने आ रहे हैं अभी। तो जगह देखिए भाई, जगह कितना ठंडक है भाई साहब मौसम में, और इतना मज़ा आ रहा है ना, क्या बताऊँ। जगह चेक करिए भाई, तो सामान लेके चले गए, होटल के स्टाफ आए थे और हम जा रहे हैं होटल की तरफ। और भाई बोलो जगह चेक करिए एक बारी, लुक एट द व्यू, लुक एट द व्यू गाइस। और ये रहा हमारा होटल अशोक नैनी चैलेट, हाँ ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेस, थोड़ा सांस फूल रहा है, ठीक क्या, मज़ा तो पूरा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा चाहिए बस। और बच्चे कर रहे फन, जी भाई पहुंच गए हम, पहुंच गए हमारे रूम में, हमारे रूम में पंगोट, पंगोट में आप पहुंच गए हम, नहा धो के एकदम तैयार, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल शर्ट अनफ्रेश एंड शर्ट, जैसे कि शिफ्ट से आया था मैं, तो फिर घर से मैं फ्रेश होके नहीं आया था, तो फिर अभी आया मैं, नहाया नहा के फिर अभी लंच करने जा रहे हैं हम लोग। अभी टाइम हो रहा है भाई 3:06, और एक बार आप चेक करें जहाँ पे हम रह रहे हैं, उस रूम के बाहर का व्यू देखिए भाई एक बार, और यहाँ की टंकियाँ देखिए कैसे बनी है लोहे की, ताकि ये शायद इसको हीट करते होंगे सर्दियों में, ताकि ये गर्म रहे और बर्फ़ ना जमे। तो चारों तरफ देखिए पहाड़ की लाइन, ज़बरदस्त, जैसे किसी ने ना आर्ट कर दिया हो। तो हम लोग 3 फैमिली आ रखे हैं, 3 रूम लिया हमने, जैसे कि तो आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ मैं, आ रहा हूँ और अभी रखता है नीचे। तो ये सीढ़ियों से हम ऊपर आए हैं,
और हमारी बस जो है वो नीचे पार्किंग में खड़ी उधर। ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, और ये है तीसरा रूम जहाँ की मैं रह रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा सा लगा है ट्रैवल वाला। तो ऐसा कुछ रूम है जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वार्डरोब है और ये मिरर, जब थोड़ी देर पहले मैं आपसे मिला था यहाँ पे ही। और ये काफ़ी अच्छा स्पेस है सामान वामान रखने का। और ये रहा वॉशरूम, जिसको कि मैं अब थोड़ा अभी गंदा करके आया हूँ। अच्छा है, दोनों तरफ यहाँ पे खिड़की है, यहाँ से सामने से व्यू है और यहाँ से भी। और ये बेड है। तो ऐसा कुछ छोटा सा रूम टूर है भाई, ठीक है। अभी चलते हैं नीचे और लंच करते हैं, ठीक है। तो भाई लंच वंच कर लिया, सब तैयार हो गया और आ गए अभी घूमने। देखिए क्या गहरा खाई है, देखिए। और सारे तैयार खा पी के मस्त। स्लाइड अच्छा हो सकता है, स्लाइड बैठ जाओ यूं। कहाँ जाओगे? तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक है, हम कर रहे हैं 1.5 किलोमीटर का इजी ट्रैक, 1.5 किलोमीटर लिखा है। तो चल पड़े हैं, देखते हैं क्या दिखेगा। शेर, तेंदुआ, भालू, कुछ नहीं दिखने वाला, बस कुछ नहीं दिखे। बंदर दिख जाए बड़ी बात है, बंदर दिख रहे हैं नो डाउट। पर भाई जगह देखो, ओहो हो, दिल जीत लिया जगह ने तो। अब बिल पता नहीं कितना आएगा। कालू के साथ और एक कालू, दो कालू भाई। खाई देखो कितना गहरा है, चेक द खाई। लाइट अच्छा होगा लेकिन, ए कालू कालू तो गिर जाएगा बेटा। नहीं वो हमारे साथ साथ रखवाली के लिए आया है, आपको पता है। अच्छा, खाना दियो? 70 है अनिरुद्ध, ही इज फॉलोइंग अस। बहुत बढ़िया जगह यार, मजा। तो भाई लोग, पहाड़ों का एक सबसे खूबसूरत चीज़ आज आपको दिखाऊंगा। जनरली जो सनराइज होता है वो समंदर में, यानी कि जब अर्ली मॉर्निंग समंदर से सनराइज होता था वो सबसे ब्यूटीफुल लगता है। और जो सनसेट है अभी होने वाला है पहाड़ों में, अभी हम पहाड़ों में हैं, पंगोट नैनीताल से 15 किलोमीटर ऊपर। यहाँ पहुँचे हम दोपहर को अराउंड 2 बजे 2:30 बजे, तो 2:30 बजे होंगे। फिर खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, फिर हम थोड़ा मार्केट घूम के आए, थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रेक करके आए। अभी जो है चाय रेडी है, चाय और पकोड़े होटल की तरफ से हमारे रेस्टोरेंट पे लगे हुए हैं। पर उससे पहले मैंने सोचा कि यार इतने दूर आए हैं हम, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो कलर्स उभर के आ रहे हैं अभी सनसेट पे पहाड़ों पे, वो आपको दिखाऊं मेरे कैमरे के लेंस के थ्रू। सो प्लीज़ इन्जॉय द शॉट्स।